अहमदाबाद से ही एक काफ़ी फेमस वो भी यूट्यूबर है और काफ़ी सब्सक्राइबर है और अहमदाबाद में काफ़ी फेमस है हर दुकान में हर ब्रीडिंग घर में। तो मैं अभी उनको स्टेज पे बुलाना चाहूँगा मिस्टर अजू भाई को और चाहूँगा कि कुछ वो अपना तो सब लोगों को बताएं अपने बारे में बताएं और इनका चैनल का नाम है पेट्स ग्रो। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस और ये मैं विमल सर को और सबसे पहले दीपू भाई को देना चाहूँगा। हमारा छोटा सा एक चैनल है जिसने 100 के अभी कंप्लीट किए थे पेट गुरु, जिसने 5 साल पहले गुजरात में जर्नी स्टार्ट की जहाँ पर पेट्स की हॉबी बहुत कम थी, फिंचिस और बजीज पे थी। आज हमने मकाउ तक की सफ़र ले गए और हमारे साथ एक ब्रीडर भी लाए हैं जो वहाँ के बहुत जाने मानी हस्ती है, फजल्स एग्जोटिक। जैसे कि आप लोगों ने आमिर एग्जोटिक का नाम सुना होगा मुंबई में, वैसे ही वो भी है। तो वैसे काफ़ी पेट लवर को हम बाहर निकाल के लाए और फिर मुजीब भाई का मुझे साथ मिल गया। हमेशा मुझे बड़े भाई की तरह मानते हैं। पहले वो स्टार फार्म की डीलरशिप उनको मिली और उसके बाद उन्होंने मुझे भी इनवाइट किया कि अज्जू भाई ये बर्ड मेडिसिन बहुत काम कर रही है अच्छी। और एक्चुअल में मेरा फार्म था लेकिन फार्म की देख रेख कोई एक और बंदा कर रहा था और वो बंदा भी दोस्तों स्टार फार्म की मेडिसिन यूज़ कर रहा था। समथिंग अराउंड जो है वो काफ़ी कॉस्टली पड़ रही थी लेकिन फिर स्टार फार्म ने उस प्राइस को धीरे धीरे कम किया और अब हमारे पास डीलरशिप भी है तो हम यूज़ कर रहे हैं उसको। तो मैं विमल सर को पहले ये देना चाहूँगा कि आपकी मेडिसिन जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग कर रही है। थैंक यू सो मच, थैंक यू, कीप योर गुड वर्क अप। हम लोग आशा करते हैं कि विमल सर और भी इस पे हार्ड वर्क करेंगे और भी बहुत अच्छे अच्छे मेडिसिन लाएंगे। और सच में मैं चाहता हूँ कि ऐसा बन रहा हूँ कि सर से 12 घंटा में सर के साथ मैं 4 घंटा फोन में बात करता हूँ और हमेशा कभी भी सर ये नहीं बोले कि मैं फेड अप हूँ, बल्कि उनको मुझको ये बताने में बड़ा अच्छा लगता है कि तुम यार इतना एनर्जी लाता है, इतना इसके पीछे पागल है कि और दो और दो और दो, क्योंकि मेरा एक ही मोटिव है बर्ड बचाना है विदाउट साइड इफेक्ट। क्या अजू भाई? एग्री एग्री। तो दोस्तों यहाँ पर दीपू भाई ने तो विमल सर की तारीफ की लेकिन मैं तारीफ करना चाहूँगा, ये भी प्योरली डेडिकेटेड हैं टूवर्ड्स द ब्रांड और हमसे फीडबैक हमेशा लेते रहते हैं कि अजू भाई ये आपने दवाई यूज़ की तो कहाँ पे आपको क्या रिजल्ट मिला क्या रिजल्ट नहीं मिला। और दोस्तों मैं आप लोगों से जैसे मुजीब भाई ने कहा, काफ़ी लोग सोचते हैं कि चमत्कार होगा, डॉक्टर के पास भी आप जाते हो और कैंसर का अगर मरीज़ है वो 80-70% उसके ऊपर अगर बीमारी का असर हो चुका है तो कोई वो जादू की छड़ी नहीं है कि वो घुमाएगा और आपका आपका सही ठीक हो जाएगा। तो पहले से आप मेडिसिन रखिए, अपने बर्ड से प्यार करते हैं जैसे बच्चे को रोज़ देखते हैं वैसे अपने बर्ड्स की रोज़ उसकी हैबिचुअल देखिए कि पहले वो किस तरह से चेचहाता था, किस तरह से उसका वो आप कहते हैं कि एक डाली से दूसरी डाली पे केज में वो उड़ रहा था, ठीक है, और अब वो सुस्त बैठा है। तो वेरी फर्स्ट डे से आप उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट करिए, ना कि आप आखिर तक उसका वेट करें और फिर सोचे कि अब मैं अपने बर्ड्स को बचा लूँ। तो काफ़ी अभी नेगेटिव मार्केटिंग भी कर रहे हैं जैसे कि स्टार फार्म आगे बढ़ रहा है उसकी वजह से, तो उस पर आप ध्यान ना दीजिए, आप खुद यूज़ करिए, आपको सही लगता है फिर आप आगे बढ़िए, मैं इतना कहना चाहूँगा। और पेट हॉबी के लिए ये कहना चाहूँगा कि एक दूसरे का पूरी तरीके से सहयोग करिए। बीमारियों के बारे में अगर आपको जानकारी है, मेडिसिन के बारे में आपको जानकारी है, तो अपने तक मत रखिए और उसको दूसरों को बताइए। कुछ लोग मैंने काफ़ी लोगों से सीखा है कि उस्ताद पुराने उस्ताद बोलते हैं कि कुछ नुस्खे अपने पास ही रखने चाहिए जिससे दूसरों को कुछ पता ना चले। बट मैं कहूँगा आप अपने तक नुस्खे रखेंगे तो वो परिंदे की जान कैसे बचेगी। आप अपने नुस्खे की बात मत करिए या आप अपनी बीमारी की बात मत करिए, नहीं तो ऐसी मेडिसिन बनती ही नहीं। अगर वो अपने तक ही फॉर्मूला रखेंगे तो मेडिसिन कहाँ से बनेंगी। तो मेरा कहना है एक दूसरे को सपोर्ट करिए और बस आगे बढ़ते रहिए। और थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी अ चांस फॉर शॉर्ट स्पीच। थैंक यू, थैंक यू अजू भाई, थैंक यू। आप इतने दूर से आए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये स्टेज पे बुलाना चाहूँगा फजल भाई को, ये भी अहमदाबाद गुजरात से हैं और जैसे कि कल रात में मेरा बात हुआ था अजू भाई से तो इनके पास भी काफ़ी सनकनूर और कनूर के बहुत अफ्रीकन ग्रे सनकनूर काफ़ी मात्रा में है। Hello, thank you very much for inviting me on stage and I am a very small hobbyist actually. जैसे यहाँ पर सारे जो लोग जैसे दीपू भाई ने बताया कि अगर आपको बर्ड को रखना है आप उसे एज ए बिजनेस नहीं देखिए, आपको अगर बर्ड के अंदर आपको अगर उससे प्यार है, आप ओरिजिनल में एक बर्ड हॉबिस्ट है तो आप डेफिनेटली ये कर सकते हैं। और स्पेशली बात करूँ मैं अगर
सर की जो ऐसी मेडिसिन लेके आए हैं जो एक्सोटिक्स के अंदर काम कर रही है, बर्ड्स के लिए स्पेशली काम कर रही है, जिसे बताया दीपू भाई ने कि भाई कुछ मेडिसिन ऐसी थी जो हम दूसरी एनिमल्स में यूज कर रहे थे और वो बर्ड्स के अंदर भी आए, लेकिन ये काफी जरूरत जो आज लेकर आए हैं ये एक काफी रिक्वायर्ड थिंग है, काफी जरूरत की चीज थी, जिसके वजह से आज बर्ड्स को जो एक्सोटिक बर्ड्स है फिर उस रिलेटेड उसके जरूरी की जो मेडिसिन है वो काफी जरूरत थी। हम एक्सपेक्टेशन करेंगे, हम आशा जरूर रखेंगे कि भाई ये बर्ड की हॉबी को प्रमोट किया जाए, ज्यादा से ज्यादा लोग आए और जो मेडिसिन है ऐसी मेडिसिन जो इस्तेमाल की जाए जो बर्ड्स को कोई नुकसान भी नहीं करती और साथ साथ में बर्ड की जो लाइफ है उसको अच्छी तरीके से इम्प्रूव करें। थैंक यू वेरी मच। और मैं अभी